हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना एमटेक एक्सपीरियंस इन एनआईटी ट्रिची। सबसे पहले मैं आपको एनआईटी ट्रिची का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। एनआईटी ट्रिची जो है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनआईटी इन इंडिया और वन ऑफ द टॉप एनआईटी इन इंडिया। मींस एनआईटी ट्रिची का जो रैंकिंग है, नंबर वन है इन ऑल एनआईटीज। एंड टॉकिंग अबाउट द इंडियाज इंजीनियरिंग रैंकिंग, मतलब कि इंजीनियरिंग सेक्टर में इंडिया लेवल पे क्या रैंकिंग है, तो ऑल इंडिया रैंक एनआईटी ट्रिची का 9th पोजीशन पे है। तो वो एक ब्रांड वैल्यू है जो कि कंपनी को दिखता है कि है एक ब्रांड वैल्यू है। अगेन टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स आर सुपर स्प्रेड इन द सेंस, अगर आप किसी ब्रांच के हो प्लेसमेंट्स हैं। कुछ लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसके पीछे रीजन होता है, या तो उनका सीजीपीए काफ़ी कम होता है या उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। बट जनरली जो प्लेसमेंट है एमटेक का एनआईटी ट्रिची में वो 80-90% है। नाउ मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि जब मैं 2 साल डीआरडीओ में एज अ जीआरएफ फिर एसआरएफ प्रमोट हुआ तो मेरी इच्छा हुई कि मैं जाके एमटेक करूं, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट भी देखना था एक पॉइंट ऑफ व्यू पे और कॉलेज भी देखना था। तो मैं चाहता तो मैं कोई न्यू आईआईटीज जो न्यू आईआईटीज था उसमें एडमिशन में ले सकता था, बट प्लेसमेंट्स वहां पर थे नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, न्यू आईआईटीज में प्लेसमेंट्स नहीं थे उस टाइम, और ओल्ड आईआईटीज मिल नहीं सकता था कि हमारा जो रैंक था वो उतना भी अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने एनआईटी ट्रिची में गया और उसमें भी मैं क्या किया, मैंने लास्ट में लाइक अभी का जो सिस्टम है वो तो हाँ बदल चुका था, बट हमारे टाइम में क्या था, एक स्पॉट राउंड का सिस्टम था। मतलब कि जो सेंट्रल काउंसलिंग होता था उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है वो खुद का स्पॉट राउंड भी निकलवाता था। तो मैं क्या, चूंकि मैं जॉब में था उस टाइम, मतलब जॉब इन द सेंस एज अ एसआरएफ जॉब कर रहा था, तो आई वेटेड, मैंने लास्ट टाइम तक वेट किया क्योंकि मैं रिस्क ले सकता था। बहुत सारे जो फ्रेशर्स होंगे वो रिस्क नहीं ले पाएंगे क्योंकि मैं वो उनको एनआईटी मिले या ना मिले। तो स्पॉट राउंड में मैंने ऑप्ट किया। तो आपको बता दूं एक स्पॉट राउंड होता है जो कि वो नेशनल लेवल पे होता है, एक होता है इंस्टीट्यूट स्पॉट राउंड। तो मैं एनएसआर की बात कर रहा हूँ, नेशनल स्पॉट राउंड पे मैंने अप्लाई किया था एनआईटी ट्रिची को, और मेरे को जो ब्रांच मिला था वो पहले मुझको मिला था एनर्जी ब्रांच। तो बींग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई वॉज एलिजिबल फॉर 5 ब्रांचेस, यानी कि मैं 5 ब्रांचेस के लिए एलिजिबल था, VLSI, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनर्जी, और एक दो और ब्रांचेस थे वो कुछ मैनेजमेंट के ब्रांचेस थे, वो मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने 5 को मैंने फिल किया, हाई प्रायोरिटी पर मैंने रखा VLSI। क्यों VLSI रखा, बींग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं आपको बता दूँ कि VLSI इज द मोस्ट डिमांडिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो ये मत रखना कि भाई मेरे को इलेक्ट्रिकल ही ब्रांच चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करोगे कि आपको ब्रांचेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स के नज़दीक हो या कंप्यूटर के नज़दीक हो वो ब्रांचेस आपको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्लेसमेंट्स उन ब्रांचों में अच्छा होता है। तो अगेन VLSI का प्लेसमेंट्स टॉप पे, उसके बाद आपका
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर पावर सिस्टम, फिर कंट्रोल, फिर एनर्जी। अगेन ये वेरी कर सकता है, बट मैंने जो रखा था वो एज पर प्लेसमेंट मैंने रखा था, और इंटरेस्ट भी, क्योंकि हमें वीएलएसआई में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर चुका हूँ तो उसमें भी मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट था। तो ये दो ब्रांचेज में मेरा इंटरेस्ट था। तो जो मुझको पहला ब्रांच मिला था वो मिला था मुझे एनर्जी ब्रांच। जी हाँ, पहले मुझको मिला एनर्जी ब्रांच, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग। चूंकि होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीएसयू ले लेते हैं बाद में जाकर, तो उनको पीएसयू मिल जाता है या कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो कुछ सीट्स जो होती है वो वैकेंट रह जाती है। तो इंटरनल स्लाइडिंग होते होते, मतलब एनर्जी ब्रांच था तो मेरे को ब्रांच मिल गया पावर सिस्टम। हालांकि मेरे को इंटरेस्ट था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या वीएलएसआई, इन दो ब्रांच में से मुझे कोई ब्रांच मिल जाता तो मैं ज़्यादा अच्छा फील करता, बट कोई नहीं, पावर सिस्टम भी क्या है, कोर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो उस ब्रांच से मैंने एमटेक किया। तो एमटेक जब किया तो उसमें कॉलेज में गया तो काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी सीनियर्स भी काफ़ी फ्रेंडली थे। उन्होंने आके सबसे पहले बताया कि डूज एंड डोंट्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि रैगिंग वगैरह, तो मैं बता दूं कि एमटेक में रैगिंग नहीं होती है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है एमटेक में कि वो रैगिंग ले, क्योंकि एमटेक वो क्या मैच्योरिटी, उस टाइम एक मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो सब नहीं होता है एमटेक वगैरह में, रैगिंग वगैरह। अगेन आई कैन नॉट टेल अबाउट अदर इंस्टीट्यूट्स, बट टॉकिंग अबाउट एनआईटी ट्रिची, उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं था। बस वो आ रहे थे सीनियर्स, आपको बता रहे थे कि कैसे आपको प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि प्लेसमेंट्स में वो लोग ही आपको आगे जाके गाइड करते थे कि कैसे प्लेसमेंट्स आपको देना है, क्योंकि वही आपको असिस्ट करेंगे। तो पहले ही बता देंगे कि आपको डूज एंड डोज क्या करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, कैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन यहाँ मेंटेन करना है, तो वो सारी चीज़ें बताते थे पहले, ठीक है। उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो अगेन एनएनडी ट्रिची एक नेशनल लेवल की कॉलेज है, तो उसमें पढ़ने का अलग मज़ा है। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले मुझे वहाँ पर, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट था और काफ़ी मज़ा भी आया पढ़ाई करने में। फैकल्टी भी थे वो काफ़ी केयरिंग और काफ़ी अच्छे फैकल्टी थे। अगेन मैं यहाँ पे आपको एक बता दूँ कि जो लोग ये सोचकर आएंगे कि मुझको एमटेक के साथ प्रिपरेशन करना है, तो ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? अगर आप एज ए जीआरएफ हो या आप कोई जॉब कर रहे हो तो थोड़ा बहुत संभव है, बट अगर आप एमटेक करते हुए सोचोगे तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपको जॉब मिल जाता है कि आपने 9 to 5 जॉब किया, फिर घर पे आ गए, कोई आपको काम नहीं करना होता है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो, 9 to 5 आपने पढ़ाई किया, ठीक, घर पे आए, आपको मिल जाएगा असाइनमेंट कि बेटा तुम असाइनमेंट करके लाओ, होमवर्क करके लाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। तो ये सब काम आपको 9 to 5 के बाद ही करना पड़ेगा, यानी कि जब आप घर पर आते हो वो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और चूंकि वह अच्छा कॉलेज है तो वहाँ के फैकल्टी भी अच्छे होते हैं, तो वो आपको ऐसे आराम करने देगा नहीं, वो आपको वीकेंड्स के लिए असाइनमेंट दे देंगे कि भैया तुम असाइनमेंट बनाओ वीकेंड में, ठीक है। तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो ये सोच के एमटेक करना चाहते हैं अच्छे कॉलेज में कि मुझको पढ़ना है या मैं प्रिपेयर कर लूँ किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वाइल डूइंग एमटेक दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो मेरा जो एडवाइस होगा, अगर जो लोग चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उनका गेट में स्कोर ऐसा नहीं कि आपको पीएसयू मिल ही जाए, तो बेटर आप एमटेक ज्वाइन ना करें। क्यों? क्योंकि आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड रहेगा कि मुझसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप प्लेसमेंट पे भी इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, तो फिर आपका प्लेसमेंट अफेक्ट होगा, क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स सीखने होंगे,
कम्युनिकेशन स्किल, कोडिंग स्किल, कोडिंग इज अ मस्ट। मैं आप बता दूं कि कोडिंग आपकी कोई भी ब्रांच हो, आपकी ब्रांच का मैकेनिकल भी है, तो अगर आप जाओगे अच्छे कॉलेज में तो वो आपको पहले दिन बोल देंगे भाई तुमको कोडिंग सीखनी है। नो मैटर व्हाट योर ब्रांच इज, यू हैव टू लर्न द कोडिंग, एंड दैट इज द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज कम फॉर सॉफ्टवेयर जॉब्स, कोर जॉब्स काफ़ी कम कंपनीज ही आते हैं। अगर कोर जॉब्स की मैं बात करूँ तो उसमें जो जॉब्स होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होते हैं, तो आपको तो कोडिंग सीखना पड़ेगा और आपको प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा एडवाइस है स्टूडेंट्स के साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर आपका प्योर फोकस है कि मुझको पीएसयू चाहिए तो प्लीज एमटेक ज्वाइन ना करें, सीट्स को वेस्ट ना करें, आप एक साल ड्रॉप ले, तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब्स की और आप जॉब ले। बट मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जब आप देखोगे आप जो स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट लग रहा है 50 लाख का 40 लाख का, तो आप भूल जाओगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, ठीक है। इसलिए खैर वो तो अलग चीज़ है, वो अपना अपना चॉइस है, उस पर मैं कभी और बात करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो थोड़ा कुछ ज़्यादा लंबा हो चुका है बट ठीक है कोई बात नहीं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस जब मैं एमटेक कर रहा था एनआईटी ट्रिची से। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि मैंने कैसे एनआईटी ट्रिची में एडमिशन लिया, उसका क्या प्लेसमेंट स्टैट्स वगैरह है, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने कैंपस में फील किया कैसा था, उसका एक मैं ओवरव्यू मैं इस वीडियो में देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं एनआईटी ट्रिची ज्वाइन किया तो जो मुझे हॉस्टल अलॉट हुआ वो हॉस्टल अलॉट हुआ था एक्वा मरीन बी। मैं आपको बता दूं कि कैंपस में बहुत सारे हॉस्टल्स है, बॉयज हॉस्टल्स काफ़ी है और गर्ल्स हॉस्टल भी बहुत सारे हैं, और जो हॉस्टल्स के जो नाम होते हैं वो सारे जो नाम होते हैं वो मतलब कि स्टोन के ऊपर होते हैं, जैसे एमरल्ड, जेड, एक्वामरीन, राइट, लाइक दिस, जितने भी स्टोन्स हैं उसके बेसिस पे उन्होंने हॉस्टल का नाम रखा है, लाइक पर्ल, राइट। तो मैं जो था वो हॉस्टल एक्वामरीन बी में था, वो टू शेयरिंग था और रूम स्पेशियस था, दो बेड्स थे और दो आपके टेबल चेयर और दो आपके कबर्ड्स वगैरह भी थे, तो अच्छा हॉस्टल था। वाटर और भी आर ओ वाटर वगैरह सब उसमें अवेलेबल थे। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है टू शेयरिंग, ठीक है। जब आप जाएंगे सेकेंड ईयर में यानी कि फाइनल ईयर में, तो आपको मिलता है सिंगल शेयरिंग, और जो हमें हॉस्टल अलॉट हुआ था वो हुआ था एमरल्ड। टॉकिंग अबाउट द फूड, तो वहाँ का फूड कैसा था, तो मैं बता दूँ कि जो फूड होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, ये चार चीज़ आपको मिलते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, फिर इवनिंग में स्नैक्स और रात को डिनर। और जो फूड का जो क्वालिटी होता है वो काफ़ी ऑसम होता है, और वहाँ पर बहुत सारे मतलब जिस तरह से बहुत सारे हॉस्टल्स थे उसी तरह बहुत सारे वहाँ पे क्या है, मेस है, मेस मतलब जहाँ हम लोग खाना खाते हैं,
चूंकि वह एक नेशनल कॉलेज है, वहाँ पे केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बैंगलोर, नॉर्थ साउथ सभी जगह से स्टूडेंट आते हैं, तो वहाँ पर स्पेशली आंध्रा में से, केरला में से किसी को शौक है कि मुझे केरला फूड पसंद है तो केरला में से ज्वाइन कर सकता है, किसी को शौक है कि मुझे आंध्रा फूड खाना है तो आंध्रा में ज्वाइन कर सकता है, किसी को शौक है मुझे नॉर्थ फूड खाना तो नॉर्थ के लिए अलग मतलब मेस का नाम है बट उसमें खा कोई भी सकता है, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। और कोई साउथ का है जो चाहता है कि मैं साउथ का ही खाना खाऊं तो वो साउथ वाले मेस में रजिस्टर कर सकता है, अगेन जो नॉर्थ के हैं वो भी उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। फूड का क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। और फिर ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है और ये तो खैर वो काफ़ी हो जाएगा, डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा उसमें। अगर आपको जानना भी है इसके बारे में क्या मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे में, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा कि ब्रेकफास्ट में मुझे क्या मिलता था, लंच में क्या मिला। और अगेन ये मेस टू मेस वेरी करता है, कोई साउथ मेस है तो वहाँ का जो होगा वो अलग होगा, नॉर्थ मेस होगा वहाँ का अलग होगा, राइट। हालांकि मैं क्या करता था, एक महीने में खा था आंध्रा मेस में, वहाँ जब खा लिया एक महीने मैंने ट्राई किया केरला मेस में, फिर 4-5 महीने ट्राई किया नॉर्थ मेस में, फिर ऐसे आप मैं रोटेट करता रहता था, मतलब मैंने हर एक मेस को मैं फूडे का पा क्या था, वेज मेस अलग है, मतलब कि जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए अलग मेस है, जो भाई तुम्हें नहीं खाना नॉन वेज तो भाई तुम्हारे अलग मेस से जाओ आराम से खाओ, ठीक है। अगेन उसमें भी कोई भी खा सकता है जाकर, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस किया आपको हॉस्टल और मेस के बारे में कैसा खाना होता है। अब आता है क्लासरूम के बारे में, तो जो क्लासरूम होता है वो क्या होता है, एसी क्लासरूम्स होते हैं, चूंकि हम नेशनल कॉलेज है एसी क्लासरूम्स होते हैं। जिस टाइम मैं ज्वाइन किया था उस टाइम तो एसी क्लासरूम्स हमें अलॉट नहीं हुआ था, बट हमारे जूनियर्स को एसी क्लासरूम अलॉट हुआ था, एसी क्लासरूम्स थे बट हम लोग को अलॉट नहीं हुआ था एसी क्लासरूम्स, ठीक है। बीटेक्स वाले को अलाउ था, राइट, चूंकि वो 4 साल रहते हैं वहाँ पर, राइट, हम लोग तो 2 साल के लिए आते हैं, ठीक है। तो वो क्लासरूम भी एसी होते हैं। उसके बाद जो क्लासरूम में जो टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए तो उनका वही है चॉक एंड डस्टर, चॉक एंड टॉक बोर्ड से वो पढ़ाते हैं, और कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो पीपीटी से भी पढ़ाई होती थी, प्रोजेक्टर लगा देते क्लासरूम में, वहाँ से आप प्रेजेंटेशन लेके टीचर पढ़ाते थे। तो टीचर होते थे, अगर मैं टीचर्स के बारे में बात करूँ तो टीचर्स काफ़ी हाईली क्वालिफाइड, ऑल फैकल्टीज आर PhD फ्रॉम टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, एंड दे हैव अ वेरी ग्रेट पब्लिकेशंस। तो वो काफ़ी फैकल्टीज अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर आप फैकल्टी ने आपको कुछ बोला है इसका मतलब 99% फॉल्ट आपका है, ठीक है। तो एक मैं आपको इसमें बता दूं कि कभी भी फैकल्टी के साथ आप बदतमीजी से बात ना करें, क्योंकि वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है किसी से बहस करने का या लड़ने का या झगड़ने का। हाँ, अगर आपने उनको फोर्स किया तो वो फिर आपको प्रॉब्लम हो, चूँकि हर एक प्रोफेसर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट गजटेड ऑफिसर होते हैं, राइट। अगर उन्होंने कुछ लिख दिया या कुछ बोल दिया तो फिर कोई भी सीनियर फैकल्टीज भी उनको मतलब उनको वो रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो भी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, राइट। आप क्या हो, आप अभी यंग एज के हो, आप अभी इमेच्योर हो, राइट। तो आप जज्बाती हो जाते हो या कुछ बोल देते हो तो ये पता है फैकल्टी से कि इस एज में बच्चे क्या होते हैं, कुछ कभी कभी फैकल्टी से तो लड़ लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि कोई भी फैकल्टी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, इवन सीनियर्स आपको पहले ही बता देंगे कि
आपको किसी फैकल्टी के साथ उलझना नहीं है। अगर कैसा सिचुएशन सर, ऐसा सिचुएशन जनरली आता नहीं है, क्योंकि जो फैकल्टी है समझते हैं कि ये बेचारा भी एमटेक का है, ये भी मैच्योर्ड इनफ होगा, वो भी आपको बात बात पर रोकेंगे टोकेंगे नहीं। हाँ, अगर आपको उन्होंने असाइनमेंट दिया आपने बनाया नहीं, वो तो एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार क्या करेंगे, वो आपका जो नंबर है वो बैठा देंगे जीरो। फिर आप उनके पास बोलोगे सर आपने नंबर जीरो क्यों दे दिया, तो पूछेंगे भैया तुमने कितनी बार असाइनमेंट जमा किया, कितनी बार तुमने प्रोजेक्ट्स जो दिए बनाया। ठीक है, तो वो चूंकि जो रिटर्न का जो मार्क्स होता है वो काफ़ी कम होता है, और जो मेजॉरिटी जो मार्क्स होता है वो क्या होता है आपका वाइवा का होता है, प्रोजेक्ट्स का होता है, सेमिनार्स का होता है, असाइनमेंट्स का होता है, तो 30-40% की वेटेज होता है आपका रिटर्न का, और 70-60% जो वेटेज होता है वो आपका इंसेप्ट जो का होता है। तो जब आप जाए किसी भी अच्छे कॉलेजेस में, तो आप कोशिश करें कि फैकल्टी के साथ ना उलझें, उनसे आप बात करें, सीखें, समझें, दे आर लाइक सोर्स ऑफ नॉलेज, आप उनसे नॉलेज लें। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला होगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। जहाँ तक मेरा हमने जो देखा है अपने क्लास, आज तक मैंने किसी भी अपने बैचमेट्स को फैकल्टी के साथ नहीं देखा है, ना फैकल्टी को देखा कभी एमटेक स्टूडेंट्स के साथ कुछ बुरा व्यवहार करते हुए। मतलब 2-3 साल के आसपास मैं बता रहा हूँ, कॉलेज मैंने किया था मास्टर्स, तो ऐसा कभी सिनेरियो नहीं आया, और आता भी नहीं है। राइट, आप अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। राइट, अपना काम में पढ़ाना, आप काम में पढ़ना, और प्लेसमेंट लेना और चीज़ों को सीखना। तो इस, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया आपको हॉस्टल के बारे में, क्या हॉस्टल होता है, कितने हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल्स काफ़ी होते हैं, मेस का फूड कैसा होता है, क्लासरूम्स कैसे होते हैं, टीचर्स कैसे होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी क्या होता है, काफ़ी सेंट्रलाइज लाइब्रेरी होता है, मतलब कि एक डेडिकेटेड बिल्डिंग होती है लाइब्रेरी की, उसको हम लोग कहते थे सेंट्रल लाइब्रेरी, या उसको लिखा जाता है गेट के आगे सेंट्रल लाइब्रेरी। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा, तो इसी का मैं कंटिन्यू एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, कंप्यूटर सेंटर के बारे में बताऊँगा, और प्ले ग्राउंड के बारे में बताऊँगा कि कैसा वहाँ का कल्चर है। तो टिल देन Take care and bye. Hello friends, welcome to your YouTube channel. इस वीडियो में मैं आपको पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट NIT Trichy का, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, उसका मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको वहाँ के हॉस्टल, मेस, क्लासरूम के बारे में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये कि वहाँ का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो कितना बड़ा है, और स्विमिंग पूल्स और भी चीज़ों के बारे में इसमें बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, पहला मैं शुरू करता हूँ सेंट्रल लाइब्रेरी से। तो सेंट्रल लाइब्रेरी एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, वो भी 4 फ्लोर का होता है, और 4 फ्लोर का समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, और उसमें आपको जो बुक्स चाहिए सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर ई लाइब्रेरी, मतलब कि डिजिटल लाइब्रेरी की भी सुविधा है, आप वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको लाइब्रेरी कार्ड इशू करना पड़ता है, और अंदर में कंप्यूटर लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपको कंप्यूटर सेंटर के बारे में। जी हाँ, वहाँ पर 3 बिल्डिंग्स है कंप्यूटर्स के लिए, जहाँ पर आप रात भर बैठ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बट
बहुत सारे लोग गेम्स भी खेलते हैं बट वो अलाउड नहीं है, बट खेलने वाले खेलते हैं। तो आप वहाँ बैठ कंप्यूटर में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हॉस्टल में या रूम पर पढ़ाई नहीं हो रही है, जाओ वहाँ बैठ के वहाँ पढ़ाई करो। सभी लोग वहाँ बैठ के पढ़ाई भी कर दें। रात को 2 बजे 3 बजे पूरे रात बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं बैठ कर। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ स्पोर्ट्स के बारे में। तो काफ़ी सारे प्लेग्राउंड्स हैं, आप शाम को जाएंगे तो प्लेग्राउंड्स में वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, जो खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं। एक स्टेडियम बना हुआ है बहुत बड़ा क्रिकेट के लिए, तो उसके लिए आपको शायद बुक करना पड़ता है स्लॉट्स। बट उसके अलावा भी स्मॉल स्मॉल स्टेडियम्स हैं जहाँ पे आप विदाउट बुकिंग क्रिकेट आप खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। और एक स्पोर्ट्स सेंटर भी है जहाँ पर आप इंडोर हॉकी, बैडमिंटन, जो भी गेम्स आप खेलना चाहें आप वहाँ खेल सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्विमिंग पूल है, वहाँ पर 2 स्विमिंग पूल है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो जब आप ट्रेनिंग होते हैं यानी कि जब नए नए सीखते हो तो आपको छोटे वाले स्विमिंग पूल में वो सिखाएंगे पहले, सीखने के बाद वो फिर आपको बड़े वाले स्विमिंग पूल पे वो ट्रांसफर करते हैं, फिर आप वहाँ पर स्विमिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जिम भी है, आप शाम को या सुबह जब आप इच्छा हो जिम जा सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब है, कल्चरल क्लब है, ज्वाइन कर सकते हो। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज, राइट? यूनिवर्सिटी है वो, तो वो कंप्लीट पैकेज होता है, उसमें जो आप चाहते हो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। कैंपस में आपको CCD मिल जाएगी, कैफ़े कॉफी डे भी मिल जाएगा एट अ चीप रेट। वहाँ पे कॉफ़ी और जो भी चीज़ें जो मिलती है CCD में वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कैफेटेरिया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वहाँ पे फास्ट फूड के भी अलग अलग है चीज़ें हैं, वो भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम मेस, कॉलेज के मेस के अलावा भी प्राइवेट फास्ट फूड स्टॉल्स और भी कैफेटेरियाज वगैरह वहाँ पे होते हैं जो आपको ले सकते हो। अब कभी इच्छा किया खाने का तो आप खा सकते हो। हालांकि जो मेस में जो फूड मिलता है काफ़ी सफिशिएंट होता है, हाई क्वालिटी होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कभी भी मन किया कुछ पार्टी करने का तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा बस की सर्विस उपलब्ध है, मानो कभी किसी को बल्क में जाना हो बाहर, तो यानी कि आपको टीम आउटिंग्स यानी क्लास आउटिंग्स करनी हो तो उसके लिए भी आप बस कॉलेज से बुक करवा सकते हो, वो भी मिल आपको मिल जाता है। तो जहाँ तक मुझे याद है एक बार हम लोग फैकल्टीज के साथ पांडिचेरी गए थे पावर प्लांट विजिट करने के लिए, तो हम लोगों ने कॉलेज के बस को ही बुक करके हम लोग गए थे, काफ़ी मज़ा आया। पावर प्लांट पर कभी घूमे, जो पांडिचेरी की जो बीचेस थी वहाँ हम लोगों ने ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हो, हमने वहाँ पे ज़्यादा घूमा। और फैकल्टी भी साथ में थे, उनको पता था कि बच्चे हैं एंजॉय तो करेंगे ही। उसके अलावा हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ जब इस सेमेस्टर ब्रेक हुआ तो कहीं घूमने चले गए, कभी ऊटी चले गए, कभी कोडाईकनाल चले गए। तो तमिलनाडु, चूँकि जो NIT ट्रिची होता है वो क्या है तमिलनाडु में आता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन्स वगैरह भी हैं, तो आप वहाँ भी जाके घूम सकते हो फ्रेंड्स के साथ। तो हम लोग हमेशा पूरे क्लास, चूँकि एक बैच में 28 स्टूडेंट्स होते थे, तो पूरे 28 स्टूडेंट्स हम लोग जाते थे आउटिंग्स पे। और लगभग चीज़ें मैंने बता दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चूँकि मुझे मैं काफ़ी कम टाइम रहा ना, 2 साल का होता है MTech, उसमें 1 साल आप कैंपस से पढ़ते हो, उसके बाद अगले साल आप इंटर्नशिप लग जाती है या आप प्रोजेक्ट में बिजी जाते हो, तो उतना टाइम मिलता नहीं। काफ़ी बड़ा कैंपस होता है, पूरे कैंपस को मैं आज तक घूम नहीं पाया हूँ, इतना बड़ा कैंपस है, टाइम ही नहीं मिल पाया पूरा कैंपस घूमने का। तो आई होप आपको एक इंसाइट मिला होगा। प्लेसमेंट्स मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। अगर आप चाह लो कि हमको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, बट आपको लगना पड़ेगा इसके लिए।
ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो स्टूडेंट्स है वो न्यू आईआईटीज के बजाय, जो नए नए आईआईटीज खुल रहे हैं वो उसके बजाय आप ओल्ड एनआईटीज, स्पेशली एनआईटी ट्रिची में आप एडमिशन लोगे तो आपको आईआईटी, ओल्ड आईआईटी वाली फील भी आएगी और प्लेसमेंट भी अच्छा और एनवायरनमेंट और अलमुनाई, चूंकि एक एलुमनाई नेटवर्क क्या होता है वो काफ़ी जरूरी होता है प्लेसमेंट्स के लिए। तो न्यू आईआईटीज में क्या होगा कि जो एलुमनाई है मतलब जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो काफ़ी कम होंगे, राइट। अब नया नया आईआईटी खुला है तो उसके जो नेटवर्क होगा उसका क्या होगा, काफ़ी कम होगा नेटवर्किंग, तो वैसे में वो प्लेसमेंट्स में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप न्यू आईआईटीज के बजाय आप ओल्ड एनआईटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ट्रिपल आईटी है, तो जो लोग कंप्यूटर वगैरह ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो लोग ट्रिपल आईटी वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, आई एम रेडी टू क्लेरिफाई योर डाउट। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट माय एक्सपीरियंस एट डीआरडीओ। जो मेरा एक्सपीरियंस था डीआरडीओ में जॉब करने का वो कैसा था। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 साल डीआरडीओ में एज अ जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन किया था। मैं 2016 में ज्वाइन किया था अगस्त में, बट मैंने उसका जो इंटरव्यू होता है और एग्जाम होता है वो मैंने दिया था 2015 जून या जुलाई में। मैं वेटिंग लिस्ट में था तो 8 से 9 महीने के बाद वो क्लियर हुआ था। तो मैं बता दूं कि उसका क्या प्रोसीजर था। तो ये डिपेंड करता है लैब टू लैब, चूँकि डीआरडीओ में क्या होता है बहुत सारे लैब्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लैब्स होते हैं, जीटीआरई है, सीएबीएस है, ठीक है, बहुत सारे लैब्स होते हैं। उस हिसाब से वो अपना हिसाब से वो एग्ज़ाम लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं। तो जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो मेनली मेरा हुआ था गेट स्कोर पे। तो गेट स्कोर पे मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, उसके बाद मेरा एक रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, फिर जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या हुआ था प्रोसीजर। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आया था पेपर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसमें क्या एक सीट था और मुझे उसको जाना था बैंगलोर। तो मैं बैंगलोर गया, वहाँ पे लगभग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 40 पीपल्स यानी कि 40 लोगों को बुलाया गया था रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट के बाद लगभग 10 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, और 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उन्होंने 5 लोगों को फाइनली सेलेक्ट किया था आफ्टर इंटरव्यू। तो ये था मेरा सिलेक्शन प्रोसीजर। और इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, तो इंटरव्यू में जो हमारा मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मुझसे बोला गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, यानी किस सब्जेक्ट पर आपका कमांड है। तो मैंने बोला कंट्रोल सिस्टम, तो फिर मुझसे कंट्रोल सिस्टम से सारे सवाल पूछे गए। फिर कंट्रोल सिस्टम से जब उन्होंने सारे सवाल पूछ लिए और मैंने लगभग लगभग सारे सवालों का जवाब भी दे दिया था, कि मैं उस समय डायरेक्ट पढ़कर ही आया था कोचिंग इंस्टीट्यूट से। उसके बाद उन्होंने फिर मशीन से पूछा, अच्छा, और उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा, अगर इस पर भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना के आपको दूंगा। जब फाइनल मेरी लिस्ट में 5 लोगों जब उन्होंने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर जो मेरे को कॉल आया था वो लगभग 8 से 9 महीने बाद मुझे कॉल आया था, क्योंकि मैं वेटिंग लिस्ट में था और उस टाइम में भी जॉब कर रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं 1 साल प्रिपरेशन कर चुका था, तो फिर मैं आगे प्रिपरेशन करने के मूड में नहीं था। तो मैंने जॉब ऑफ कैंपस जॉब ले रखा था कोई प्राइवेट कंपनी में,
उसके बारे में भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे कि किस जॉब में था, क्या कर रहा था मैं, तो उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। तो ये था मेरा लगभग सिलेक्शन प्रोसीजर एज अ JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप INDRDO सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स। सो मैंने CABS में काम किया था, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स में, मेनली आई वर्क ऑन रडार सिस्टम्स लाइक पावर सप्लाई डिजाइन ऑफ रडार। उसके बाद 2 साल के बाद वो क्या करते हैं, वो आपको SRF के लिए प्रमोट करते हैं, इंटरनल कमिटी के थ्रू वो SRF आपको प्रमोट करते हैं। तो जो हमारा भी प्रमोशन 2 साल के बाद हो चुका था एज अ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, बट चूंकि उस टाइम तक 2 साल बाद जॉब करने के बाद मुझे MTech का भी शौक हुआ कि मैं MTech कर लूँ, तो मैंने NIT ट्रिची से MTech किया। बेसिकली 2 साल के बाद जब मैं प्रमोट हुआ तो उसके 8-10 दिन बाद मैंने रिजाइन दे दिया और मैं MTech करने चला गया। तो MTech का क्या एक्सपीरियंस रहा उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, कैसे मैंने MTech किया, क्या वहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो है, वो उस पर देख मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो एक सिर्फ PSU भी एक ऑप्शन नहीं है, एक IIT से MTech ही ऑप्शन नहीं होता है, उसके साथ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप गेट के थ्रू आप फॉरेन में पढ़ाई भी कर सकते हो, गेट के थ्रू आप MBA भी कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ, आपका नीति मुंबई एवरेज पैकेज वहाँ का 17 लाख होता है, और वो जिनका एवरेज गेट स्कोर है, मतलब काफ़ी हाई भी नहीं है और काफ़ी लो भी नहीं है, अगर मीडियम एवरेज स्कोर है, मैं बात करूँ अगर आपको रैंक 1000 से 5000 तक भी रैंक है, तो आपको नीति मुंबई में चांसेस अच्छे हैं मिल जाने के MBA के, और प्लेसमेंट काफ़ी ज़बरदस्त होता है। वैसे IIMs में भी कुछ सीटें होती है, आप चेक कर लेना, आपको मालूम चलेगा, और उसमें स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है, 20 से 25 हज़ार की स्टाइपेंड भी होती है। अगर मैं और बात करूं तो और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप फॉरेन से MTech या PhD भी कर सकते हो, उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको करना है। फिलहाल मैं इस वीडियो में बता रहा था कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा DRDO का। तो जो मेरा इंटरव्यू चला था लगभग 45 मिनट्स, 30 मिनट्स तो उन्होंने कंट्रोल से पूछा कि स्टेबिलिटी क्या होता है, ओपन लूप पोल्स क्या होता है, फ्रैक्चर सिस्टम्स कैसे होते हैं, मतलब कैसे होते, मतलब कि अंडर डैम्ड होते हैं, ओवर डैम्ड होते हैं, क्रिटिकली डैम्ड होते हैं तो कैसे होते हैं, और फिर स्टेबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो। उसके बाद उन्होंने पूछा फेज मार्जिन, गेन मार्जिन के बारे में कि क्या होता है, तो ये सारे आंसर्स मैंने बता दिए थे। फिर उन्होंने मशीन से हमसे पूछा और उसके बाद मैं इंटरव्यू ख़त्म हो गया, और सेम डे उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया था शाम को, और उन्हें वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया था एक दिन के बाद। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल, माय नेम इज उत्पल, और इस वीडियो में मैं आपके साथ खुद का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूं एज अ JRF इन DRDO। तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर था मेरे टाइम पे, क्या स्टाइपेंड था। आज मैं बताने वाला हूं कि माय फर्स्ट डे एट DRDO एज अ JRF। तो जब मैं फर्स्ट डे पहुंचा तो मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर था, वो मैं लेके गया सिक्योरिटी गार्ड के पास, उन्होंने मुझे एक टेम्पररी I-कार्ड, सो टेम्पररी पास कहते हैं, वो दिया सिर्फ एंट्री के लिए। एंट्री के बाद मैं गया एडमिन सेक्शन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। वहां पे जाने के बाद मुझे जो वहां के जो एडमिन ऑफिसर थे उनसे जाकर मिला,
उसके बाद उन्होंने मुझे एक और 30 डेज का टेम्पररी आईडी कार्ड बनाकर दिया, क्योंकि इमीडिएट आईडी कार्ड, परमानेंट आईडी कार्ड मिलता नहीं है, क्योंकि वो टाइम लगता है बनने में, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड होता है, उसमें चिप लगा होता है, सेंसर लगे होते हैं, तो उसको बनने में टाइम लगता है। तो मुझे 30 डेज का आईडी कार्ड मिला, टेम्पररी आईडी कार्ड। और जब मैं ज्वाइन किया तो उस समय डिवीजन फिक्स नहीं था, क्योंकि मेरा ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कोई EMI MC टेस्टिंग कर रहा है, कोई LTF यानी लाइटनिंग टेस्टिंग पे काम कर रहा है, कोई पावर सप्लाई पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जो जिस टाइम मैं ज्वाइन किया था तो हमारे लैब में इलेक्ट्रिकल मेजर, प्योरली इलेक्ट्रिकल के 2 डिवीजन थे, तो मुझे किस डिवीजन में रखा जाए ये फिक्स नहीं था। तो मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन, चूंकि एडमिन सेक्शन के बगल में ही होता है आपका लाइब्रेरी सेक्शन, और भी फॉर्मेलिटीज होती है, आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो लगभग 1 हफ्ते तक, जहाँ तक मुझको याद है, कि मैं लाइब्रेरी में ही बैठा रहता था, और वहाँ बैठ के मैं क्या करूँगा, बुक्स लेकर पढ़ता रहता था। तो लगभग 1 हफ्ते के बाद मुझको डिवीज़न अलॉट हुआ कि आप किस डिवीज़न में, किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे। तो बेसिकली जो हायरार्की होती है, मैं सारे लैब्स का नहीं बता सकता, बट जिस लैब में मैंने काम किया था DRDO के, वहाँ की जो हायरार्की थी वो था, पहला आपका डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद आपके आते हैं ग्रुप डायरेक्टर, मतलब कि बहुत सारे ग्रुप डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डिविजन्स को कंट्रोल करते हैं, और ग्रुप डायरेक्टर के अंदर होते हैं आपके डिविजन्स 3 से 4, यानी एक ग्रुप डायरेक्टर क्या होगा, 3 से 4 डिविजन्स को वो हैंडल करता है। तो एडमिन सेक्शन से मुझे डायरेक्ट भेजा गया ग्रुप डायरेक्टर के पास। ग्रुप डायरेक्टर के पास 3 से 4 डिविजन्स होते हैं, उन्होंने मुझसे मेरा इंटरेस्ट पूछा कि बेटा तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल में है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जो पावर सप्लाई का जो डिवीजन था वो मुझे अलॉट कर दिया, जहाँ पर मैं पावर सप्लाई की टेस्टिंग करता था। और अगर आपको जानना है कि डिटेल्ड में क्या करता था मैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट जैसे कि आप जानते हो कि DRDO नाम सुनकर काफ़ी खुशी मिलती है, तो जब मुझको ऑफर लेटर आया था तो आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि उस टाइम मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट कंपनी में, ठीक ठाक सैलरी थी, उसके बाद ही मैंने उस जॉब को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट जॉब में गया। क्यों? क्योंकि मेरा बस इंटरेस्ट था, सीखना चाहता था मैं चीज़ों को, इंजीनियरिंग को मैं समझना चाहता था। तो फिर मैं DRDO में ज्वाइन किया। टॉकिंग अबाउट द प्रेशर और वर्क, तो गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आपको बता दूँ कि प्रेशर्स कंपेरेटिवली लेस होते हैं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट सेक्टर से बात करो तो प्रेशर्स नहीं थे कुछ भी खास। ऊपर से जो हमारे सीनियर्स थे, सीनियर्स इन द सेंस ऑफ साइंटिस्ट, चूँकि मैं साइंटिस्ट के साथ काम करता था, तो जो हमारे सीनियर्स थे वो भी काफ़ी कूल थे, काफ़ी कोऑपरेटिव। स्टार्टिंग में उन चीज़ों को सिखाया, मुझे बताया कि चीज़ें कैसे काम करती है। अगेन आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि वो आपको बताते रहेंगे हमेशा, वो आपको इंटरेस्ट देते हैं कि हाँ इसको इंटरेस्ट है कि नहीं, अगर आपने इंटरेस्ट शो किया तो आपको जो गाइड करेंगे और बताएंगे। और कोई भी काम हो, आपको लीव लेना हो, तो सारे आराम से मिल जाते हैं, उसके लिए कोई
इशू नहीं होता था। तो अगर आप चाहो तो उसमें आप प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से एक साल जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर लूँ तो पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल डेफिनेटली है। क्यों डेफिनेटली पॉसिबल है? क्योंकि वर्किंग है आपका 5 days a week, यानी कि आपको हफ्ते में 5 ही दिन काम करना होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो आप कर सकते हो। और आपकी टाइमिंग 8 घंटे की होती है, एक्स्ट्रा काम आपसे करवाते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो ये है जो स्टूडेंट है, राइट, ये कोई परमानेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, राइट, ये प्राइवेट भी नहीं है कि वो आपको एक्सप्लॉयट करेंगे, राइट, तो उनको पता है कि ये परमानेंट जॉब इस बच्चे का नहीं है, तो वो आपको पूरा मौका देते हैं। आप उनको बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना है घर पर जाकर, तो वो आपको लीव भी दे देंगे। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, उनको अगर बोलो कि सर मुझको ये चीज़ सीखना है, तो उसके लिए भी वो क्या करेंगे, आपको लीव देंगे। बस आप टाइम को वेस्ट मत करना, आप टाइम को यूटिलाइज करके चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ते रहना और लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उत्पल और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि DRDO का जो इंटरव्यू हुआ था और रिटन टेस्ट हुआ था उसमें कैसे सवाल मुझसे पूछे गए थे। तो मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि जो रिटन टेस्ट हुआ था, बेसिकली गेट स्कोर पे उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था और उसका फिर रिटन टेस्ट हुआ था। तो रिटन टेस्ट में जो सवाल थे वो मेनली बेसिक सवाल थे, मतलब इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मतलब बेसिक वन वर्ड MCQ क्वेश्चंस थे, अराउंड 20-25 क्वेश्चंस थे। मुझको याद नहीं है कि काफ़ी पहले मैंने दिया था। अगेन ये डिपेंड करता है लैब टू लैब पे, कुछ लैब्स और कुछ इंस्टीट्यूट वो डायरेक्टली गेट स्कोर पे इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में क्या हुआ था, उन्होंने गेट स्कोर पे इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट किया, फिर रिटर्न लिया, फिर इंटरव्यू लिया था। तो जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी बेसिक थे। अगर आप कोई भी एग्जाम होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे SSC JEE वगैरह में या गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं जो कि काफ़ी ईजी होते हैं, वन वर्ड वाले होते हैं, MCQs होते हैं, वही क्वेश्चन थे और काफ़ी आसान थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिटन के स्कोर बेसिस पे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, कुछ लगभग 10 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस चालू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया कि 2 पैनल को उन्होंने डिवाइड किया। एग्जैक्टली मुझको याद नहीं है कि ये 10 ही उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ चूंकि उसकी डिटेल्स हम लोगों को पता नहीं होती है। वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए वो कॉल करते हैं, बस बोलते हैं कि आप शॉर्टलिस्टेड हो, आपको इंटरव्यू देना है। तो वो हमें इसकी जानकारी नहीं, बट एक अंदाज़ा मुझे लगा कि लगभग उन्होंने 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था आफ्टर रिटर्न इंटरव्यू में। मेरा जो पैनल था वो बन था उस पैनल में। तो पैनल में क्या था कि लगभग 4 लोग थे। तो एक जो डिवीजन के हेड होते हैं वो थे, उसके बाद 2 साइंटिस्ट उनके क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में थे, और 1 साइंटिस्ट उनके राइट साइड में, और 1 मैम साइंटिस्ट थी उनके राइट साइड में। तो टोटल 5 लोग थे। उसके बाद जो सेंटर में बैठे हुए थे और वो डिवीजन हेड थे, उनका नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि दिस इज नॉट अ फेयर थिंग टू डिस्क्लोज एनी नेम। सो जो डिवीजन हेड थे उन्होंने मुझसे पूछा कि उत्पल हाउ आर यू, तो मैंने बोला यस सर आई एम फाइन। तो उन्होंने बोला यू आर कमिंग फ्रॉम पटना फॉर गिविंग द इंटरव्यू। मैंने कहा यस सर, व्हाई नॉट। उन्होंने पूछा आप क्यों, वो भी एक पोस्ट है। तो मैंने कहा कि मुझको इंटरेस्ट है, मतलब आई वांट टू वर्क इन DRDO एंड आई थिंक दैट आई एम फिट फॉर दिस जॉब, बिकॉज
आई टोल्ड लाइक मैंने बोला कि मैं गेट क्वालिफाई हूँ, मेरी इतने रैंक थी और मैंने काफ़ी एक साल प्रिपरेशन भी किया है, तो मुझे इस सेक्टर में मतलब कि इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब करने का इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसका उन्होंने पूछा मुझसे कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब आपका कौन सा सब्जेक्ट पर कमांड है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो बोलते हैं यार हमसे जो पूछ लो मैं बता दूंगा, वो गलत अप्रोच होता है। वो चेक करते हैं कि जो आपने बोला उस पर आप किसी कमांड, तो आप कितना मेहनती आदमी हो आप। तो अब ऐसा नहीं बोलना कि आप कुछ भी हमसे पूछ लो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूँ तो उसमें मशीन्स होते हैं, पावर सिस्टम्स होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कंट्रोल है, नेटवर्क है, EMT है, सिग्नल्स है, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है। अगर आपने बोल दिया कि कुछ भी पूछ लो, तो फिर एक क्या कहते हैं एरोगेंस का फीलिंग आता है कि आप हाँ हमसे कुछ भी पूछ लो। बट ऐसा देखिए, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और 10 में आपका बराबर कमांड कभी नहीं हो सकता, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। आप ये कह देना कि मेरे को सब में बराबर कमांड है, तो ये आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और जो पैनल होते हैं उनको ये मालूम होता है कि ये संभव नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि 10 के 10 सब्जेक्ट पे बराबर कमांड करने का, किसी पे ज़्यादा हो सकता है किसी पे कम हो सकता है। तो इसलिए वो आपसे पूछते हैं कि आप बताओ बेटा, आप बताओ आपके कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड है, आपने किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। तो मैंने बोला सर मैंने कंट्रोल सिस्टम से पढ़ाई किया है। तो उन्होंने बोला अच्छा कंट्रोल सिस्टम से पढ़े हो। फिर उन्होंने कंट्रोल सिस्टम से सवाल पूछना चालू किया। तो जो पहला सवाल उन्होंने पूछा था कंट्रोल सिस्टम से, जहाँ तक मुझको याद है कि उन्होंने पूछा कि स्टेबिलिटी से तुम क्या समझते हो, क्या है स्टेबिलिटी, कैसे डिफाइन करते हो स्टेबिलिटी को। तो आपको पता है कि हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रूट लोकस से कर सकते हैं, RH क्राइटेरिया मतलब कि रूट हुरविट्ज क्राइटेरिया से भी डिफाइन कर सकते हैं, पोल से डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। हमने दो तरीके से उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है अच्छा अब ये बताओ कि जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमारे जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं वो कौन से सिस्टम होते हैं, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। तो ये उन्होंने हमसे सवाल पूछा। तो ये क्या होता है, जो हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंडर डैम्प्ड होते हैं। जो जीटा जो होता है वो क्या होता है, 0.7 के आसपास होता है। फिर उन्होंने पूछा कि ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप डिफाइन करो। तो उस पर भी मैंने उनको जवाब दे दिया बेस्ड ऑन द जीटा, मैंने उनको डिफाइन किया कि ये होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि फेज मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन क्या होता है, उसके बेसिस पर आप स्टेबिलिटी को डिफाइन करो। तो उन्होंने काफ़ी सवाल मुझसे पूछे, मुझे सारे सवाल तो याद नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ही इंटरव्यू दिया था। तो वो सब सवाल पूछने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, लास्ट में पूछा क्या, बस बोला कि योर इंटरव्यू इज़ गुड। जो डिवीजन हेड बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे बोला गुड, क्योंकि मैंने कंट्रोल सिस्टम्स के सारे सवालों का जवाब दे दिया था। तब उनके पास कंट्रोल सिस्टम से सवाल पूछने थे ही नहीं। उसका तो उन्होंने क्या किया, फिर मशीन से पूछना शुरू किया। फिर वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक सब्जेक्ट का कमांड है और आपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूरा बता दोगे तो उनको मजबूरन अपने आप दूसरा सब्जेक्ट से पूछना पड़ जाता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, मशीन से पूछना चालू किया। तो मशीन्स में मतलब मैं पढ़ा था बट उतना क्या कर सकते हो कि उतना डिटेल्ड मैंने पढ़ाई नहीं की थी मशीन्स की। तो मशीन्स में वही मोटर वालों ने पूछा, शंट मोटर, सीरीज मोटर क्या होता है, कंपाउंड मोटर क्या होता है, तो मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद कॉलिंग पर पूछा तो भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता ही दिया। तो इन सब बताने के बाद उन्होंने लगभग 40-45 मिनट्स उन्होंने मुझे बैठाकर इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने बोला गुड यू कैन गो नाउ। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था DRDO में एज अ GRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब उसमें क्या पर्क्स थे, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हालांकि जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बेनिफिट्स अच्छे खासे मिलते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा।
टिल देन टेक केयर एंड बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक और केस शेयर करने वाला हूं। तो पिछले वीडियो में हमने एक केस शेयर किया था आपके साथ कि आपको क्या करना चाहिए गेट के बाद। आज हम एक और केस ले रहे हैं। आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो केस ऐसा है कि आपने गेट क्वालिफाई किया ही नहीं है, तो ये क्या काफ़ी बुरा होता है। बट फैक्ट ये, अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया तो आपने पढ़ाई नहीं किया। अगर आपने पढ़ाई किया तो आप गेट क्वालिफाई कर जाओगे, दैट इज श्योर, कि 15 मार्क्स का तो आपका वही एप्टीट्यूड रीजनिंग रहता है, 10 से 15 मार्क्स आपका मैथमेटिक्स रहता है, वो तो वैसे ही हो गया 25 नंबर, ठीक है। और आपके नेट, अगर मैं बात करूँ, कुछ बेसिक इंजीनियरिंग क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप मैकेनिकल के होंगे तो कुछ बेसिक इंजीनियरिंग क्वेश्चंस रहते हैं जो आपने 12th में पढ़ा होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो कुछ बेसिक सर्किट क्वेश्चंस होंगे, तो आराम से बन जाती है कट ऑफ के, लाइक उसमें कोई बात नहीं है। तो अगर आपने माने कट ऑफ पार नहीं किया तो आपको क्या करना है, तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ाई करना है। अगर आपको लगता है कि आपका पैशन या जो आपका गोल है, या तो आपको एमटेक में जाना है या आपको पीएससी जाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, और कोई उसका उपाय नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो ये भी कोई ठीक है। आप सबका अलग थिंकिंग होता है, ये सिर्फ गेट ही नहीं होता है, तो आप प्राइवेट जॉब में आप अप्लाई कीजिए। आप ये मत देखना स्टार्टिंग में कि आपको सैलरी क्या मिल रही है। आपको 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। आप कॉर्पोरेट में आप एंटर करो, जब आप कॉर्पोरेट में एंटर करोगे स्टार्टिंग में आपको सैलरी आपकी 10,000 हो, 15,000 हो या 20,000 हो, अगर आपने अच्छे कॉलेज से अप्लाई नहीं किया हो या आपका टॉप कॉलेज में नहीं आता हो, ना AIIT हो ना NIT हो, या ना कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हो या टॉप प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है, तो उस केस में बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हुआ तभी तो आपने गेट दिया होगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपने प्रोफाइल्स को, अगर आप गेट नहीं लिखना चाहते, मैं एक केस डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो आप कंपनीज को आप विजिट कीजिए। आपको करना क्या है, जो छोटे कंपनी है, बड़े कंपनी में अप्लाई कर सकते हो पर वो चांसेस नहीं है कि वो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रीमियम कॉलेज में, या आपको जो अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको अच्छा कमांड सर्विस में, तो फिर चांसेस है, बट ऑफ कैंपस लेस चांसेस होते हैं टॉप कंपनीज में जाने का, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको Naukri.com और भी जो वेबसाइट्स है, फ्रेशर्स वर्ल्ड जो भी वेबसाइट्स है, उस पर अपने रिज्यूम को अपलोड करना चाहिए, और आपको देखना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए कौन से कंपनीज जो है जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई है। मतलब स्टार्टअप कंपनीज में भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। जो स्टार्टअप कंपनीज होती है उसमें क्या करते हैं कि वो लोग ज़्यादा पैकेज देना पसंद करते नहीं है, उनको काम भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो काम से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। तो काम अगर ज़्यादा खा रहा है तो अच्छा है स्टार्टिंग में आप एफर्ट डालो, और आप ऐसा सोचे काम को कि वो कंपनी आपकी है, ऐसा सोचो कि अरे मुझसे काम करा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। आप काम सीखो, काम करो, और आप 2 साल बाद देखो कि आपको इतना अच्छा कमांड हो जाएगा आपके फील्ड में, जिस फील्ड में आपने जॉब किया है, आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे तो आप के लिए आसानी से निकल जाएगा। तो आपको मेंटेलिटी होना चाहिए, आपको एफर्ट हर जगह डालना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई में जा रहे हो या जॉब में जा रहे हो। स्टार्टिंग आपको कुछ साल आपको देने पड़ेंगे, ये फैक्ट है, इंजीनियर्स का ये फैक्ट है, जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके ये फैक्ट है। क्यों करना पड़ेगा, आपने कॉलेज में अपना इतना एफर्ट डाला नहीं, जो भी हो, मैं तो नहीं जानता एग्जैक्टली क्या हो सकता है, पर जो भी हो, पर हम जो डिस्कस करें गेट क्वालिफाई आपने नहीं किया है, तो आपको प्राइवेट कंपनीज में आपको अप्लाई करना होगा। अगर इन केस आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप ट्राई करेंगे तो मिलेगा। मैंने भी स्टार्टिंग में प्राइवेट कंपनी में जॉब किया हूँ तो मैं बता रहा हूँ। आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे कंपनी मिलती है, आप अप्लाई करो, कंपनीज के वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, या आप जाके अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो उसमें तो आप पर्सनली जा नहीं सकते, क्योंकि आगे में वो चेक इन कार्ड होता है, वो ID कार्ड आपको चेक करेगा। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो ही आप अंदर जा सकते हैं उनसे मिलने, ऐसा आप जा नहीं सकते हैं। तो अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है तो उसमें ऐसा, वो जनरली लोकल एरिया में खोलते हैं, तो उसमें उतना सिक्योरिटी नहीं था, आप जाके बात कर सकते हैं,
उनको बोलेंगे हम रिज्यूमे देना है अपना, वो अलाउ कर देंगे, आप जाके दे सकते हो रिज्यूमे। तो आपको ये सब कीजिए स्टार्टिंग के कुछ दिन और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला केस यही, इसी में एक और कंडीशन क्या है कि अगला बात क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि पढ़ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको जाइए और जाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और मन ला के पढ़िए। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, दिन के कम से कम 12 से 16 घंटे आपको देना पड़ेगा अगर गेट आपको निकालना है अभी के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है और डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग के बाद आपको घर पर आकर आपको 5-6 घंटे आपको देने पड़ेंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको क्या हो रहा है आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर कि कोई आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जैसे आपने नेटवर्क पढ़ लिया, तो नेटवर्क पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि आप लास्ट में गए टेस्ट देंगे, आपका नेटवर्क खत्म हुआ, आप उसको रिवाइज किए, आपने टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद आपने नोट डाउन किया कि क्या क्या हमारे वीक पॉइंट्स, उसको आपने नोट डाउन किया, फिर से उसको रिवाइज किया, फिर से टेस्ट दिया और जो आपने मिस्टेक्स किया उसको आपको रिपीट नहीं करना है, फिर से पढ़ा, फिर से टेस्ट दिया। अब कमांड आपको सब्जेक्ट वाइज कमांड बनाना है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको कमांड बनाना पड़ेगा, फिर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स दोगे, 2 सब्जेक्ट्स ए टाइम, ऐसा टेस्ट आता है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट एक साथ होते हैं, आप वो टेस्ट दोगे फिर। और अगर आपने टेस्ट सीरीज में अच्छा रैंक आना स्टार्ट हो गया तो मैं आपको लिख के देता रहा हूँ कि आपका गेट में अच्छा रैंक आएगा, नो डाउट। तो हमने लगता काफ़ी टाइम ले लिया है, तो ठीक है आज तो हमने ये केस डिस्कस किया, अगले वीडियो में मैं एक और केस डिस्कस करूँगा कि अगला केस क्या हो सकता है। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो ऐसा कोई मैं कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं किया नहीं है, पर मैंने 2 साल जॉब किया है DRDO में, मैंने प्राइवेट कंपनी में भी जॉब किया है, मैंने मास्टर्स किया है NIT ट्रिची से इन EEE डिपार्टमेंट। तो इस चैनल पर मैं एक्सक्लूसिव जो अगर मैं एग्जाम्पल्स दूंगा तो वो EEE के कॉन्टेक्स्ट में है, तो कोई अगर मैकेनिकल का है या इलेक्ट्रिकल का है सॉरी कोई सिविल का है तो उसको उससे अपना रिलेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप हम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का, अगर मेरे पास टाइम होगा मैं रिप्लाई दूंगा जरूर। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो टू बी वेरी फ्रैंक, और लाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और केसेस के बारे में डिस्कस करूँगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।